हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अब मेरा नाम उदिता है एंड मैं यूएसए के इलिनॉय स्टेट में रहती हूँ। और आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग के साथ साथ, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जो लोग भी मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज का वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी आप लोग, जो लोग ऑलरेडी मेरे वीडियो को फॉलो करते आ रहे हैं, उनको पता है कि मैं मेरी प्रेगनेंसी का मैं एक्सपीरियंस अभी शेयर कर रही हूँ। और अभी मैं 9th मंथ प्रेगनेंट हूँ, मतलब 38 वीक 3 डेज मेरा चल रहा है। तो कभी भी बेबी आ सकता है, आ सकती है, कभी भी बेबी आ सकती है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि हॉस्पिटल का बैग मैं पहले से रेडी कर लूं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ये वीडियो कि मैं अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या लेके जा रही हूं जो इंपॉर्टेंट है। वैसे तो यहाँ के हॉस्पिटल में सब कुछ अवेलेबल रहता है, आप जब तक हॉस्पिटल में रहते हो आपके और आपके बेबी के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है। जो भी चीज़, मतलब एवरीथिंग अवेलेबल, वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। बट स्टिल मैं अपनी तरफ से कुछ कुछ चीज़ें लेके जा रही हूँ एक सेफ साइड के लिए कि हाँ, अपनी तरफ से कुछ कुछ चीज़ें, थोड़ी चीज़ें जो मैं रख लूँ वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं शेयर कर रही हूँ अपना कि मैं अपने लिए क्या चीज़ है जो मैं पैक करना इम्पॉर्टेंट समझ रही हूँ कि जिसको ले जाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो वहाँ नर्सिंग गाउन मिलेगा ही मिलेगा, बट फिर भी मैं एक नर्सिंग गाउन में ये इस तरीके का रख रही हूँ ले जाने के लिए। एक पहन के जाऊँगी और एक वहाँ से आने टाइम जब डिलीवरी के बाद ये एक अपनी तरफ से लेके जा रही हूँ कि ये मैं अपना खुद का पहन के आऊँगी। तो ये नर्सिंग गाउन मैंने एक लिया है। सॉक्स इम्पॉर्टेंट है, सॉक्स भी वहाँ मिलता है, बट स्टिल मैंने दो रख लिए हैं। एक टॉवल लिया है, छोटा सा टॉवल है जो मैंने रख लिया है अपने फेस वॉश करना हुआ कुछ भी करने के लिए, एक छोटा सा टॉवल है। तो ये भी मैं लेके जा रही हूँ अपने साथ। ऑफ कोर्स टूथब्रश और ये लिस्ट्रिन का माउथ वॉश जो है ये भी मैं लेके जा रही हूँ साथ में। और ये एक स्टॉल लेके जा रही हूँ, अगर मुझे ब्रेस्ट फीडिंग कराना हुआ तो स्टॉल रहेगा कंफर्टेबल, जिसे ढक के मैं इजीली मैं एक रख लेती हूँ, एक अगर मुझे लगा वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो इसलिए एक स्टॉल में लेके जा रही हूँ साथ में। और ये है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये नर्सिंग पिलो होता है। नर्सिंग पिलो जो सी स्टाइल डिज़ाइन का बना रहता है, जिसमें आप इस तरीके से, अगर आप पिक्चर देखोगे, मैंने डिस्प्ले कर दिया है, तो उस तरीके से आप कर रख के आप इजीली अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हो, बहुत ही आराम रहता है। मैंने भी सुना है यहाँ के लोगों से, तो इसलिए मैंने बाय किया क्योंकि जो उनकी बात सुन के मुझे लगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी रहेगा मुझे ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए बेबी का, तो इसलिए मैंने ये वाला ले लिया है साथ में। और मैंने एक छोटा सा अपना मेकअप बैग रेडी किया है। मेकअप बैग में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। इसमें मैंने एक कॉम रखा है, लिप बाम रखा है, एंड कॉम एंड क्लचर है, और एक आईलाइनर रखा है। अगर मुझे कभी वीडियो बनाने का मौका मिला तो मैं एक आईलाइनर तो लगा ही सकती हूँ जल्दी से। तो आईलाइनर है एंड यस आईब्रो पेंसिल है और मॉइस्चराइजर क्रीम है, रबर एंड क्लचर, यस ये सारी चीज़ें मैंने रखी है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं रखा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मैंने इसमें अपना एक छोटा सा मेकअप बैग रेडी करके रखा है इसलिए इसमें। और साथ ही साथ ये है फेशियल, ये टॉयलेटीज है, यस ये रिमूव डर्ट ऑयल एंड मेकअप विदाउट रिंसिंग। तो ये एक मैंने ले लिया, इसको टॉयलेटीज बोलते हैं, तो ये एक रख लिया है। अगर मुझे वाइप करना हुआ अपना अपने फेस को, क्लीन करना हुआ अपने बॉडी को, तो इसके हेल्प से मैं कर सकती हूँ। ये काफ़ी नेचुरल है, फ्रेग्रेंस फ्री है, तो इसलिए मैंने ये बाय किया और ये ब्रांड भी अच्छा है, तो इसलिए मैंने ये लिया है। और साथ ही साथ मैंने अपने ये दोनों इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी आज के डेट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सैनिटाइजर एंड ये मास्क का मैंने पैकेट रख लिया है, तो ये भी मैंने रख लिया। इसमें 5-6 मास्क है, तो ये मुझे हेल्प करेगा क्योंकि मैं हॉस्पिटल में जा रही हूँ, तो डेफिनेटली अपना केयर करना तो बनता है। वैसे तो हॉस्पिटल वाले एरियाज जो होते हैं वहाँ पर ऑलरेडी वो लोग बहुत काफ़ी क्लीन करके रखते हैं, बट स्टिल ये तो आप कहीं भी जाओ तो साथ में रखो ही रखो, मत भूलो। तो ये सारी चीज़ें मैंने रखी है। बाकी मैंने एक नर्सिंग ब्रा भी रखा है, वो मैं दिखाने में अभी अनकंफर्टेबल हूँ। तो नर्सिंग ब्रा है जो वो आप अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो अपने बेबी को, तो आप लैच वहाँ लगा रहता है जिसको आप अनलैच कर सकते हो, लैच वाला सिस्टम अनलैच कर सकते हो और आप उसको फीडिंग करा सकते हो। तो वो मैंने रखा है, दो से ज़्यादा नहीं रखा है। अदरवाइज़ इतनी सारी चीज़ें मैं फिर भी लेके जा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों की भी इतनी ज़रूरत पड़ेगी, बट स्टिल मैंने
तीन चार चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट मैंने रखी है। बहुत ज्यादा भी मैं भर के लेके नहीं जा रही हूँ, क्योंकि आप जितनी सारी चीजें हॉस्पिटल लेके जाओगे वो सारी चीजें आपको आके वॉश भी करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा अगर आप जो भी चीज हॉस्पिटल में यूज कर रहे हो। तो मैंने कोशिश की है कि बहुत कम से कम सामान लेके जाऊं, इससे ज्यादा इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया है। तो आप ये कर सकते हो। एक और चीज़ है मैं बताना भूल गई कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो तो ऑब्वियसली आप फर्स्ट टाइम कराते हो या वहां पे ब्रेस्ट पंपिंग भी रहता है, वहां पे जाओगे तो आपको वो मिलेगा, तो उसको इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। तो आप इजीली आप वहाँ जाके अगर जब आपसे हॉस्पिटल वाले पूछे कि आपको ब्रेस्ट पंप चाहिए तो आप यस बोलना, क्योंकि वो इंश्योरेंस आप कवर कर लेगा। अगर बाय चांस अगर जैसे मिल्क आ जाता है आपको वहाँ पे तो लीक होने लगता है, तो उसके लिए भी मैंने एक ये नर्सिंग पैड लिया है। तो ये मैं पूरा लेके नहीं जाऊंगी, इसमें मैं 5-6 कॉटन ये डिस्पोजेबल है तो मैं अपनी तरफ से 5-6 लेके जाऊंगी। अगर मेरे को मिल्क आता है अगर वो लीक होने लगता है तो ऑब्वियसली उससे कपड़े गंदे हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। तो ये नर्सिंग पैड है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एटलीस्ट अपने साथ 5-6 लेके जाओ ही जाओ। डिस्पोजेबल है तो यूज करके आप थ्रो कर सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने जो आपसे शेयर की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, इंपॉर्टेंट भी लगी होगी। जो लोग प्रेगनेंसी की प्लान, जो लोग भी मतलब जिनका ड्यू डेट अब नज़दीक आ रहा है, उन कन्फ्यूजन है कि क्या लेके जाए, तो आप ये सारी चीज़ें लेके जा सकते हो। एंड डोंट वरी, हॉस्पिटल, फिर से मैं बोल रही हूँ, हॉस्पिटल सब कुछ प्रोवाइड करता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर कुछ चीज़ें छूट भी गई तो इट्स ओके, आपके पास होना चाहिए कि एटलीस्ट आप घर आओ तो आपके पास वो चीज़ें हैं। हॉस्पिटल में अगर नहीं है कोई चीज़, मेरी भी हो सकती है कि मेरा फर्स्ट टाइम है, कुछ चीज़ हो सकता है मुझे मेरे भी माइंड में नहीं आ रहा होगा कि क्या है, छूट गया है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, हॉस्पिटल वाले वो लोग केयर करेंगे आपका, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो अगर आपको मेरा वीडियो सीरियसली अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को, फिर से मैं बोल रही हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी एंड स्टे सेफ।